हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर हुआ एनपीएस अधिसूचना का दहन। अंशदायी पेंशन योजना पीड़ित कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कार्यालय के बाहर एनपीएस अधिसूचना का दहन कर किया विरोध प्रदर्शन, रेव दर। नेशनल मूवमेंट के प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम सियाग ने कहा कि एनएमओपीएस राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय व शहरी क्षेत्र में सरकारी कार्यालय के बाहर कर्मचारियों द्वारा एनएमओपीएस के आह्वान पर 14 जनवरी 2004 की राजस्थान सिविल सर्विसेज नियम 1996 में बदलाव के लिए वित्त विभाग के नोटिफिकेशन का दहन किया गया। सभी कर्मचारियों ने बाजू पर दिन भर काली पट्टी बांधकर काम किया व शाम को 4 बजे अधिसूचना का दहन करते हुए एनएमओपीएस का पोस्टर बैनर लहराकर आंदोलन को ग्राम पंचायत व कार्यालय स्तर पर प्रसार किया। आंदोलन हेतु पंचायत विभाग स्तर पर संयोजक का मनोनयन किया तथा एक रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए मूवमेंट को नई गति प्रदान की। प्रदेश सचिव मनोज नालिया ने बताया कि राजस्थान में 14 जनवरी 2004 को राजस्थान सिविल सर्विसेज नियम 1996 में संशोधन के संबंध में राज्यपाल के पवार के अंतर्गत वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F-15 के साथ FB रूल्स 97 दिनांक 14 जनवरी 2004 को जारी किया था, जिसके फलस्वरूप आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। नेशनल मूवमेंट के प्रदेश महासचिव जगदीश यादव ने बताया कि 2004 के बाद के समस्त राज्य कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है, जो शेयर मार्केट पर आधारित है, जो पीड़ित कर्मचारियों पर एक कुठाराघात है, जिसके कारण कर्मचारियों व उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जो राज्य कर्मचारियों के परिवार के साथ खिलवाड़ है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश महासचिव मनोज नालिया ने बताया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले संपूर्ण राजस्थान में 14 जनवरी को सभी PEO, ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर समस्त अंशदायी पेंशन पीड़ित कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर एनपीएस के विरोध व पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में प्रदर्शन किया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर विस्तृत रूप से एनपीएस के दुष्प्रभाव तथा एनपीएस व ओपीएस में अंतर से अवगत करवाकर पुरानी पेंशन के समर्थन में निर्णय लेने के लिए प्रयास किया जाएगा। सभी शांतिपूर्ण प्रयासों के बाद भी अगर सरकार इस संबंध में कोई निर्णय शीघ्र नहीं लेती है तो आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी सभी जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र सरकार की होगी। प्रदेश सचिव मनोज नालिया ने आह्वान करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक प्रदेश भर के समस्त एनपीएस पीड़ित कर्मचारी एकजुट होकर समय समय पर वर्तमान सरकार के सामने अपनी वाजिब मांग रखेंगे और ज्ञापन, रैली व धरना प्रदर्शन आदि द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश को राज्य व केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिला संरक्षक राव गोपाल सिंह पोसारिया व डॉक्टर उदय सिंह डिंगार ने आक्रोश जताते हुए कहा कि नवीन पेंशन योजना के नाम पर कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा खत्म किया जा रहा है, उनसे उनका बुनियादी हक छीना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विधायकों, सांसदों के वेतन भत्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें आज भी पेंशन दे है, फिर कर्मचारियों का हिस्सा वंचित क्यों किया जा रहा है। सिरोही जिला टीम के जिला समन्वयक जीवतदान चरण, समन्वयक संजय नारनोलिया, जिला महामंत्री परेश गर्ग, मंत्री डॉक्टर राजेश कुमार, संयोजक श्रीकांत चुलेट, कोषाध्यक्ष इंद्रमल पुरोहित, प्रवक्ता केशव त्रिवेदी, संयुक्त मंत्री शक्ति सिंह राठौड़, मीडिया चेयरपर्सन राजूराम खारडिया, मुकेश पुरोहित, विजेंद्र सैनी, राज वीरेंद्र राज पुरोहित, बाबूलाल मीणा, राजेश गोयल, प्रदीप गर्ग, हीताराम देवासी, सीताराम गरासिया, प्रकाश चंद परमार, मंचाराम चौहान सहित एनपीएस पीड़ित पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने जिले भर में अपना संपूर्ण सहयोग व समर्थन किया। जागरूक टीवी के रेवदर से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।